क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरेस्टिंग सवाल है। एक बंदर है और एक बंदर पहली सीढ़ी पे बैठा है, नौवीं सीढ़ी पे पानी है नीचे, सीढ़ियों से नीचे उतरना उसमें, और उसके लिए कंडीशन ये है। यह देखिए फिगर में, ये यहाँ पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी पे बंदर बैठा है, ये दूसरी सीढ़ी है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है, आठवीं है, और यहां उसने पहुंचना है नौवीं। ये बंदर उछल उछल के जाता है, पहले उछलता है, ये तीन छलांग लगाता है नीचे की ओर, और अगली छलांग दो सीढ़ी ऊपर चलता है, तीन सीढ़ी नीचे दो सीढ़ी ऊपर, तीन सीढ़ी नीचे दो सीढ़ी ऊपर, तीन सीढ़ी नीचे दो सीढ़ी ऊपर, इस प्रकार से चलता है। तो आप ये बताइए कितनी छलांगों में यह बंदर यहां पानी तक पहुंच जाएगा, नौवीं सीढ़ी तक। अब ये देखिए, अब ये जो नीचे आता है, नीचे आने को नीचे की तरफ को हम नीचे की ओर को माइनस से और ऊपर की ओर को प्लस से निरूपित करेंगे। ठीक है, एक बंदर ने पहले नीचे गया, तीन छलांग लगाई, एक छलांग लगाई, तीन सीढ़ी नीचे गया, जिस तरह से यहां गया, ये नीचे गया है, इसलिए नीचे को हम माइनस से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो माइनस तीन नीचे आया, यहां से एक दो तीन यहां आया, फिर प्लस दो वापिस दो चला गया, फिर यहां से तीन, फिर सीढ़ी नीचे आ गया माइनस तीन, फिर दो ऊपर चला गया प्लस दो, फिर तीन नीचे चला गया माइनस तीन, फिर दो ऊपर आया प्लस दो, नीचे को माइनस ऊपर को प्लस, ये याद रखना आपने। अब यहां देखिए, शुरू में तीन सीढ़ी नीचे गया ये, फिर ऊपर आ गया दो सीढ़ी, ये दो छलांग लगाई इसने, पहली छलांग दूसरी छलांग, दो छलांग में हम देखेंगे तीन सीढ़ी नीचे गया, दो सीढ़ी ऊपर गया, तो इसका मतलब कितना सीढ़ी नीचे गया, एक। अगली दो छलांग ये, इनमें भी कितने नीचे गया, एक। अगली दो छलांग ये है, इनमें भी कितने गया, एक। एक एक सीढ़ी, यानी कि दो छलांग में एक सीढ़ी नीचे जा रहा है, फिर अगली दो छलांग में एक सीढ़ी नीचे जा रहा है, फिर अगली दो छलांग में एक सीढ़ी नीचे जा रहा है, और इसको हम करते जाए, फिर माइनस तीन कर दिया, प्लस दो कर दिया, इसमें फिर एक सीढ़ी नीचे चला गया, एक दो तीन चार सीढ़ी आया अभी तक, छलांग कितनी होगी, दो दो चार दो छः दो आठ। अगर मैं और आगे लेता हूं इसको, माइनस तीन प्लस दो, ये फिर दो छलांग में एक सीढ़ी नीचे आएगा, कितनी सीढ़ी नीचे आ चुके हैं, एक दो तीन चार पांच सीढ़ी नीचे आ चुके हैं, जैसे पहली सीढ़ी पर बैठा है, और पांच सीढ़ी इसको कहां जाएंगी, एक जो दो नंबर सीढ़ी है ना वो एक मानी जाएगी, क्योंकि यहां से एक सीढ़ी नीचे आया, फिर दो आया, फिर तीन आया, फिर चार आया, फिर पांच आया, यहां आ गया, अब फिर उसने नीचे जाना है, फिर नीचे तीन गया, नीचे तीन गया, तो यहां से देखना एक दो तीन, इसका मतलब यहां पहुंच गया वो पानी पे, कितनी छलांग लगी उसकी, दो दो चार दो छः दो आठ दो दस और 11। हम लिख सकते हैं कि पानी तक पहुंचने में ग्यारह छलांग लगाई, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो पानी पीता है, और पानी पी के वो वापस चलता है,
ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जब चलता है तो पहले चार सीढ़ी ऊपर चलता है, दो सीढ़ी नीचे, फिर चार सीढ़ी ऊपर दो नीचे, फिर चार सीढ़ी ऊपर दो नीचे, इस प्रकार से चलता है। अब देखिए यहां है नौवीं सीढ़ी पे, चार सीढ़ी चलेगा तो कैसे, एक दो तीन चार, यहां आ गया वो, यानी कि ऊपर चला है, ऊपर चला तो चार प्लस का हो गया, फिर दो नीचे आएगा, एक दो नीचे को हम माइनस करते हैं, फिर चार, फिर माइनस दो। अब यहां भी आप देख सकते हैं, पहली छलांग में चार, दूसरी में दो, ये दो छलांग होगी, दो छलांगों में कितना गया हो, इसमें से घटाओ, दो सीढ़ी ऊपर गया बस, अगली दो छलांग और लगाई, दो इसमें गया, अगली छलांग फिर लगाई इसने ये। अब यहां आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहां से यहां तक जाने में उसने सीढ़ी कितनी क्रॉस करनी है, कितनी ऊपर सीढ़ी जाना है, नौ सीढ़ी है, लेकिन नौ सीढ़ी ऊपर नहीं जाना उसने, क्योंकि नौमी में तो बैठा है, इसका मतलब इस नौमी को अगर हम छोड़ दें, ऊपर कितनी सीढ़ी है, आठ, तो आठ सीढ़ी अगर वो ऊपर चढ़ेगा तो पहली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा, समझ गए। अब पहुंचा कहां तक, अब वो दो और दो चार सीढ़ी पहुंच गया, यानी कि एक दो तीन चार, यहां पहुंच गया। अब फिर उसने ये छलांग लगाई, ये पांचवी छलांग, चार और यहां से आगे चार और देखो, एक दो तीन चार, पहुंच गया टॉप पे। तो इसका मतलब ये जो है यहां एक छलांग है, ये दो छलांग, ये दो छलांग, ये एक छलांग, तो टोटल छलांग कितनी होगी, दो दो चार एक पांच, पांच छलांग में ऊपर पहुंच गया। इसका अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन का, अगला पार्ट में ये दिखाया गया है जो ये चीजें हैं, ये जो हमने लिखी दिया, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये देखिए, माइनस तीन प्लस दो, माइनस तीन प्लस दो, माइनस तीन प्लस दो, माइनस तीन प्लस दो, माइनस तीन, कितने लिख रहे हैं हमने, ग्यारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह। अब ये कहेंगे का जोड़ बताइए कितना होगा, योग करो, योग का तो वही मेथड है, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लो, प्लस वाले अलग जोड़ लो, माइनस के देख लो, तीन और तीन छ और तीन नौ और तीन बारह और तीन पंद्रह और तीन, माइनस के अठारह, प्लस के कितने, दो और दो चार और दो छ छ और दो आठ और दो दस, इनको जोड़ना हमने, इनका जोड़ मैंने बता रखा है, जब एक माइनस है एक प्लस है और हमने जोड़ करना है तो इनको इनका अंतर कर दो, अठारह में से दस गया आठ, निशान किसका लगेगा जो ज्यादा है, इसका आएगा, और इसका भी जोड़ कर रखा है, चार माइनस दो प्लस चार माइनस दो प्लस चार, इनका जोड़ करना, चार और चार आठ और चार बारह, तो प्लस के हैं दो और दो चार माइनस के हैं, तो इनका जोड़ कितना आया, ये प्लस है ये माइनस है, तो बारह चार सोलह नहीं करना आपने, ये गलती नहीं करनी है, सोलह तब हो सकता था, ये दोनों निशाने जैसे होते फिर सोलह था, लेकिन अब एक प्लस एक माइनस है इसलिए इसमें से ही घटेगा, और निशान किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वाला निशान प्लस लगेगा। तो अब ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अगर ये माइनस आठ है इसका जोड़ किसको प्रदर्शित करता है, माइनस आठ, या देखिए माइनस किसको प्रदर्शित करता है, नीचे जाने को, और ये प्लस आठ किसको करता है, ऊपर आने को, यानी कि एक नकारात्मक नेगेटिव ऋणात्मक कह सकते हैं, ऋणात्मक को प्रदर्शित कर रहा है और ये
धनात्मक को प्रदर्शित कर रहा है, एक नीचे आने को प्रदर्शित कर रहा है, एक ऊपर जाने को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपका एक इंटरेस्टिंग सवाल था।